अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले हम आर्थर कैलेस के बारे में जानते हैं। आर्थर कैलेस ने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को पेश किया था। तो सिंपली हम पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या आया था? रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब रोज और कॉलम्स ये कैसे बनेंगे? सिंपली हम मैट्रिक्स लिखते हैं, ये आपके पास हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसमें जो नंबर्स हमने लिखने हैं हॉरिजॉन्टली जो लिखेंगे नंबर्स वो रोज में आएंगे, और जो कॉलम्स में लिखेंगे वो जो वर्टिकली लिखेंगे हम उनको कहेंगे कॉलम्स। 2, 3, 4 and 5। अब 2 और 3 हमने हॉरिजॉन्टली लिखा है, तो ये हमारे पास रो आएगी, रो फर्स्ट। इसी तरह सेकंड, 4 and 5 ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं, इसको हम कहेंगे रो 2। अब वर्टिकली देखेंगे, वर्टिकल क्या है हमारे पास? 2 and 4 इसको वर्टिकली अरेंज किया हुआ है, तो ये हमारे पास कॉलम आएगा और कॉलम फर्स्ट। इसी तरह 3 and 5 ये भी हमारे पास वर्टिकली अरेंज्ड हैं, तो ये हमारे पास कॉलम 2 आएगा। अब मैट्रिक्स बनता कैसे है रोज़ और कॉलम से? वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली हैं वो हमारे पास रोज़ होंगी, और वर्टिकली जो होंगे वो कॉलम्स होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यूजली हम रोज़ और कॉलम्स को स्पेसिफाइज। अब रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो स्पेसिफाइज करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। तो हम इसी मैट्रिक्स से ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी समझ लेते हैं। अब इसमें देखें कितनी रोज हैं, रो 1, रो 2। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज कर रहा है रोज और कॉलम्स को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे कैसे हम? नंबर ऑफ, पहले रोज को लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे लिखेंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एक ये भी तरीका है, नंबर ऑफ रोज को हम जो है स्पेसिफाई करते हैं एम से, एम बाय एन। नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखेंगे एन, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज को एम से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से। ऐसे भी लिख सकते हैं एम बाय एन, और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई का निशान आप डाल देंगे बाय एम बाय एन। ये हमारे पास आ गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक टाइप है मैट्रिक्स की, इक्वल मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कब होंगे? सिंपली हम कोई भी मैट्रिक्स है उसको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को अगर हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ने इसका जो लेटर वो लिखना है वो कैपिटल में लिखेंगे। अब दो मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं 1, 2, 3 and 4। अब सेकंड मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को हमने आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो वो कैसे होंगे इक्वल? एक मैट्रिक्स बी ले लेंगे 6, 7, 8 and 9। अब फर्स्ट जो कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए वो है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखें इन दोनों मैट्रिसेस में ऑर्डर तो सेम है, यहाँ पे भी दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में भी दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, ऑर्डर तो सेम है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखें 1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस 6 एलिमेंट है, लेकिन 1 और 6 इक्वल नहीं है। इसी तरह 2 और 7, 3, 8, 4 और 9 इक्वल नहीं है। अब कंडीशन क्या है हमारे पास कि कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब अगर हम मैट्रिक्स बी को इस तरह लिखें, यहाँ पे लिखें 6, ये देखें अगर मैट्रिक्स बी को ऐसे हम लिखें 6 माइनस 5
सेवन माइनस फाइव, एट माइनस फाइव एंड नाइन माइनस फाइव। अब देखें, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगा, बी इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस फाइव वन, सेवन माइनस फाइव टू, एट माइनस फाइव थ्री एंड नाइन माइनस फाइव फोर। अब देखें मैट्रिक्स ए और बी दोनों इक्वल हैं, ऑर्डर भी सेम है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी सेम है, टू रोज एंड टू कॉलम्स, मैट्रिक्स बी के टू रोज और टू कॉलम्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्स आ गए हैं, इक्वल मैट्रिक्स। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस आ गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। अच्छा नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जैसा कि हमने पहले पढ़ाया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज कर रहा है रोज और कॉलम्स को, जितनी रोज हैं जितनी कॉलम्स हैं वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। अब इसमें देखें मैट्रिक्स ए कितनी रोज हैं, हॉरिजॉन्टली हम काउंट करते हैं रोज को, रो वन एंड रो टू, टू रोज हैं। इसी तरह कॉलम्स को देख लेते हैं जो वर्टिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम वन एंड कॉलम टू, टू रोज हैं और टू कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रोज को टू बाय टू, टू ही रोज हैं और टू ही कॉलम्स, और यही इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का। अब देख लेते हैं मैट्रिक्स डी, इसमें देखेंगे रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टली रोज को देखना है, यहाँ पर हमारे पास एक ही रो आ रही है। अब कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकली वन टू एंड थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, तीन कॉलम्स हैं और एक रो है। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो को लिखेंगे और फिर कॉलम को, रो कितनी है वन, वन बाय थ्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर को, वन क्रॉस थ्री। ये तो हो गया, हमने ऑर्डर देखा है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब मैट्रिसेस इक्वल कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास सिक्स मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने देखना है कि इन सिक्स मैट्रिसेस में आपस में इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आपको मैंने बताई थी इक्वल मैट्रिसेस की, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आपको ऑर्डर देख के पता चल जाएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास एल, तो एल के साथ कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, और वो मैट्रिक्स है आर। इसमें भी टू रोज़ हैं टू कॉलम्स हैं, और मैट्रिक्स आर में भी टू रोज़ हैं और टू ही कॉलम्स हैं। सेकंड कंडीशन क्या आया कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जो वो भी सेम होने चाहिए, तो मैट्रिक्स आर लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू माइनस वन, टू प्लस फोर, टू प्लस फाइव, वन माइनस फोर। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स में कोई सॉल्व कोई सोल्यूशन आगे एक्सीड कर रहा है तो उसको सोल्यूशन को हमने पहले आगे सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन करने रखना है, उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखें इसको आगे सॉल्व करेंगे, टू माइनस वन वन, टू प्लस फोर सिक्स, टू प्लस फाइव सेवन, वन माइनस फोर माइनस थ्री। अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो तो आपके सॉल्यूशन में साथ माइनस आएगा। अब देखें मैट्रिक्स एल और आर को सॉल्यूशन के बाद, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वन सिक्स सेवन एंड माइनस थ्री, दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है। इसका मतलब मैट्रिक्स एल एंड आर ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पर आगे आप लिख भी सकते हैं एल इज इक्वल्स टू आर। ये तो हमने मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ए। अब हमारे पास मैट्रिक्स आगे गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसके साथ हमने तमाम मैट्रिसेस को, ये तीन मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, हमने उन तीनों मैट्रिसेस को मैट्रिक्स ए के साथ कंपेयर करना है। अगर तो
उन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी दोनों के सेम हैं, तो फिर ये मैट्रिक्स जो ए है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। लेकिन हमने यहाँ क्वेश्चन में बताया क्या हुआ है, पूछा हमसे क्या हुआ है कि मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ए, जो मैट्रिसेस ए के इक्वल नहीं है वो हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं, जिनका ऑर्डर ए के इक्वल नहीं है, जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए के साथ सेम नहीं है। वो देखें, अब फर्स्ट मैट्रिक्स है बी, ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है 6, 7, 5, 3 कि इसका ऑर्डर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, एक मैट्रिक्स बी सेम नहीं है। अब नेक्स्ट देखें मैट्रिक्स सी, अब सी का ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, सिर्फ लास्ट जो है यहाँ पे लिख भी लेते हैं मैट्रिक्स सी 6, 4, 2+4, 3, 2, 9, -2। अब इस सॉल्यूशन के बाद मैट्रिक्स सी क्या बनेगा हमारे पास, 6, 4, 2+4, 6, 3 और 2 सेम एज इट इज़ और 9 -2, 7। अब देखें मैट्रिक्स सी का ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज़ 3 कॉलम्स और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी ए और मैट्रिक्स सी के दोनों के सेम हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स ए और सी दोनों इक्वल हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बताना है कि जो मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है वो मैट्रिक्स हमने लिखने हैं, इसका मतलब सी तो इक्वल आ गया। अब थर्ड मैट्रिक्स देखते हैं डी, मैट्रिक्स डी वो हमारे पास क्या है, 0, 5, 2, 3 एंड 6 एंड 7। अब इसमें भी देखें ऑर्डर से ही पता चल रहा है, इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, लेकिन इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स बी एंड डी नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ए। थैंक यू।